मेजवानी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजराती स्टाइल ढोकला। गुजरात में ढोकला बहुत फेमस है, तो आज हम ढोकला बनाएंगे। बहुत टेस्टी और यम्मी बनता है ढोकला, सबका फेवरेट है ढोकला। आज हम थोड़ा हट के ढोकला बनाएंगे, यूनिक तरीके से बनाएंगे। आपने बेसन का, चावल का, सूजी का खाया होगा, लेकिन इस तरह का ढोकला आपने कभी नहीं खाया होगा, तो ये ढोकला आप ज़रूर ट्राई करना। आज हम बना रहे हैं चुकंदर यानी कि बीटरूट से ढोकला बनाएंगे। बहुत फटाफट बन जाता है और बहुत यम्मी टेस्टी बनता है, तो इस होली आप ज़रूर ट्राई करना। रंगों के त्यौहार के साथ अगर कलरफुल खाने के लिए भी नाश्ता मिल जाए तो क्या बात है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में बेसन लेंगे। मैंने एक कप बेसन लिया है, इसको छान के लिया है, और इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून सूजी, जो बारीक सूजी है। अभी इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप आपके स्वादानुसार डाल सकते हो। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। 1 कप बेसन लिया है तो मैंने 1/2 कप दही लिया है। ये दही खट्टा होना चाहिए, ये खट्टा दही है, मैं इसमें ऐड करूँगी। और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसको मिक्स करते टाइम एक ही डायरेक्शन में करना है, बस हमें इसमें लम्स नहीं होने देने हैं। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून इतना लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। अभी देखो ये मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अभी हमने इसमें सूजी डाला है तो मैं इसको 5 मिनट के लिए रख देती हूँ ढक के, ताकि ये हमारा सूजी अच्छे से फूल जाए। अब जब तक हमारा बैटर फूल रहा है या हमारा सूजी फूलता है ये बैटर, तब तक हमें आगे का प्रोसेस करना है। अभी ये मैंने बीट को बॉईल करके लिया है, अभी हमें इसका प्यूरी बनाना है। या तो आप ग्रेट करके भी इसका प्यूरी बना सकते हो। ये बीट डालने से ना हमारा ढोकले का कलर और ढोकले का टेस्ट इतना अच्छा आता है, बहुत बढ़िया आता है। अभी मैं इसका प्यूरी बना लेती हूँ। बीट का मैंने एकदम फाइन पेस्ट प्यूरी तैयार कर लिया है। देखो कलर कितना बढ़िया आ जाता है बीट में। तो अभी हम ये जो प्यूरी है ना, हमें ढोकले के बैटर में मिक्स करनी है। अभी देखो हमारे बैटर को 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हमने जो बीट का प्यूरी बना के रखा है वो हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और फिर इसको हम एक जिस डायरेक्शन में हमने उसको चलाया उसी डायरेक्शन से चलाएंगे। और देखो बीट ऐड करने से हमारे बैटर में कलर कितना अच्छा आ गया। 1 स्पून और ऐड करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ढोकला है ना टेस्टी बनता है, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और इसी मेजरमेंट से अगर आप बनाओगे, परफेक्ट मेजरमेंट है, इसी से बिल्कुल भी आपका ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल मार्केट जैसे स्पॉन्जी ढोकला बनेगा। और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत लाजवाब टेस्ट है इसका। तो ऐसे अभी हम इसको 1-2 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। देखो अभी मैंने इसको अच्छे से 2 मिनट फेंट लिया है। अभी हमें इसको बस 1 मिनट साइड में रखना है। जिस टिन में बनाना है तो हम उसी टिन को ना या तो ऑयल से ग्रेस करेंगे या घी को ऐसे हाथ पे लेके इसको अच्छे से ग्रेस करेंगे, ताकि ढोकला चिपके नहीं बर्तन में और अच्छे से डीमोल्ट हो जाए। अभी हमारा ये बर्तन भी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, मैंने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखा है, ये इसको हमें पहले गर्म करना है। अभी मैं इसके ऊपर एक लीड रख देती हूँ, पर लीड रख दिए। जब तक हमारा बैटर रेडी हो रहा है तब तक हमारा पानी भी गर्म हो जाएगा। अभी देखो हमारा बैटर है ना थोड़ा सा थिक है, तो हमें उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। हमने जिस जार में बीट पीसा है उसी जार में थोड़ा सा पानी डाल के हम वो 1-2 टेबलस्पून इतना पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए हमें। बैटर पतला भी नहीं चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, पतला होने से फूल तो जाएगा लेकिन पूरा पकेगा नहीं जल्दी से, और गाढ़ा होने से खाते टाइम मुँह में थोड़ा सा ड्राई फील होता है खाते टाइम। तो हमें बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह बैटर बनाना है। मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ कि हमें बैटर का कैसे थिकनेस चाहिए।
हमें इस तरह बैटर चाहिए हमारे ढोकले के लिए। अभी हमारा ना पानी भी गर्म हो चुका है और ये हमारा बैटर भी परफेक्ट रेडी है। तो हम मैंने ये यूनो फ्रूट सॉल्ट लिया है, ये लेमन फ्लेवर का है। आप नॉर्मल फ्लेवर का भी आता है इसी में, ब्लू कलर का आता है पैकेट, वो भी ले सकते हो। बाकी फ्लेवर मत लेना, नहीं तो वो उसी का फ्लेवर ढोकले में आ जाता है। तो मैं इसको कट करके ये पूरा सच्चे मैं यूज़ करने वाली हूँ। अभी मैं ये सारा इसमें डाल देती हूँ। अभी हमें इसको एक्टिवेट करने के लिए एक टेबलस्पून इतना ही पानी ऐड करना है। हमने जिस डायरेक्शन में इसको चलाया था उसी डायरेक्शन में हम इसको फेटेंगे, मिक्स करेंगे। जो हम इसमें बैटर में बन जाता है ना जाली जाली सा, वो ज़्यादा हम इसको तेज़ फेटेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो बस हमारा ये पूरा रेडी है। अभी हमने क्या करना है, जिस टीम को हमने रेडी करके रखा है उसी में हम तुरंत ये डालेंगे। ये प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी से करना है। मैंने इसमें डाल दिया, बस हमें इसको हल्का सा टैप करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और अब हमें इसे तुरंत ही जिस बर्तन में हमने पानी बॉईल करने के लिए रखा है उसमें रखना है। देखो ये हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। अभी हमें इसमें स्टैंड रखना है और ये स्टैंड के ऊपर ये बर्तन रखना है। थोड़ा कटा हुआ नींबू भी इसमें डाला है ताकि बर्तन काला ना हो, नहीं तो अंदर से ये बर्तन है ना काला हो जाता है, तो ये एक फ़ायदा है। और इसके ऊपर हम लेड रख देंगे। और अभी हमें इसको 20 मिनट स्टीम होने देना है। 20 मिनट लग जाते हैं इसको पकते पकते, तो हमें 20 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर रखना है इसको। देखो अभी हमारे 20 मिनट्स हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि ढोकला बनाने फूल गया है। अभी हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे चेक कर देते हैं। ये प्लेट का पानी इसके ऊपर गिरा है। देखो अभी हमारा ढोकला बन चुका है, इसको ठंडा होने देना है। देखो अभी हमारा ये ढोकला ना ठंडा हो चुका है। अभी हम इसके साइड से एजेस को थोड़ा सा चाकू से थोड़ा लूज कर देंगे। जाली वाला ढक्कन या प्लेट डाल देंगे। जाली वाला ढक्कन इसलिए रख रही हूँ मैं ये लीड, कि थोड़ा बहुत भाप बच गया होगा ढोकले में तो वो निकल जाता है, तो इसलिए मैंने ये रखा है। अभी हम इसको डिमोल्ड करेंगे और हल्का सा टैप करेंगे। देखो वाओ कितना बढ़िया सा देखो ढोकला निकल गया है हमारा, कितना बढ़िया सा स्पॉन्जी सा ढोकला रेडी है, आपको दिख रहा होगा। देखो अभी हम इसको ऐसे रखते हैं और हम तड़का बना लेते हैं इसके लिए। देखो मैंने एक कढ़ाई गर्म करने के लिए रखा है। अभी मैं इसमें एक टेबलस्पून इतना ऑयल डाल दूँगी। हमारा ऑयल गर्म है तो एक चम्मच मैं इसमें डाल दी सरसों के दाने। ये अच्छे से ऐसे आवाज़ करते हैं ना, उसके बाद डालूँगी हरी मिर्च। मैंने स्लाइस में कट करके रखी है और कड़ी पत्ता। और एक चुटकी नमक डालूँगी और एक चम्मच शुगर डालूँगी। आप ये शुगर आप ज़्यादा डालना हो तो आप शुगर जब बैटर बना रहे होते हैं ना, हम रेडी कर रहे होते हैं ढोकले के लिए, तभी आप एक टीस्पून शुगर डाल सकते हो। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जो बीट का पानी था ना वो जो बचा हुआ पानी वही ऐड करेंगे हम। इससे ना जितना थोड़ा बहुत हमारे ढोकले में लाइट कलर आया होता है ना, उससे ये पानी डालने से हमारे ढोकले में और ज़्यादा गाढ़ा कलर आएगा। तो अभी हमें इसको अच्छे से एक उबाल आने देना है। मैंने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है, आप पानी कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अभी देखो हमारे पानी में उबाल आ चुका है। अभी हम इसको लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पकने देंगे। फ्लेम हम गैस का लो करेंगे और इसको 2 मिनट पकने देंगे। और तब तक हम हमारे ढोकले के पीसेस कट कर देते हैं।
अभी देखो थोड़ा बहुत गर्म था, अभी पूरा ठंडा हो गया और इसका भाप नीचे से भी चला जाता है, इसलिए मैं जाली वाले में रख देती हूँ। अभी हम इसको दूसरे में रख देंगे। तो अभी मैं दूसरा प्लेट ले रही हूँ और फिर इसको हम सीधा कर देंगे। और अब हम इसके पीसेस कट कर देते हैं। छोटा पीसेस चाहिए उस हिसाब से आप कट कर सकते हो। पूरा ठंडा होने के बाद ही काटना है, गरम गरम काटने से पीसेस अच्छे से कटते नहीं है। और इस तरह से ढोकला बनाने से ढोकला बहुत टेस्टी बनता है और बिल्कुल परफेक्ट मार्केट स्टाइल बनता है। मार्केट से जो हम लेके आते हैं उसी तरह बन जाता है स्पॉन्जी भी। मैंने पीसेस कट कर लिए, मैं अभी एक दिखाती हूँ आपको। देखो इसका जाली कितना अच्छा आया है, देखो बिल्कुल मार्केट जैसे और सॉफ्ट बन गया है। अभी हमारा तड़का भी रेडी है तो हम इसके ऊपर तड़का डाल देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें गैप बना देते हैं पीसेस में, ताकि इसमें अंदर तक हमारे फिर तड़का अच्छे से चला जाता है। देखो अभी हमारा तड़का भी रेडी है, अभी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। ये डालने से और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। और ये इसका जो बिट का पानी हम यूज कर रहे हैं ना, उससे हमारे ढोकले में और ज़्यादा अच्छे से कलर आ जाता है। पूरा अच्छे से डालना है सब जगह। देखो अभी हमारा इसमें तड़का डाल के हो चुका है। अभी इसके ऊपर से हमें जो सूखा नारियल है उसको मैंने ग्रेट करके रखा है, ये भी डालें। कच्चा नारियल का भी आप डाल सकते हो इसको ग्रेट करके, इससे भी बहुत टेस्ट अच्छा आता है। और थोड़ा सा ऊपर से हरा कटा धनिया, और आप इसको हरी चटनी सॉस के साथ खा सकते हो। मैंने ये ग्रीन चटनी बनाया है, ये भी के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है, या सॉस के साथ रेड चटनी के साथ खा सकते हो। बहुत ऐसे भी खाने से बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी मैं प्लेटिंग कर देती हूँ। देखो अभी मैंने प्लेटिंग कर दी है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है ढोकला, और ये चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, इतना हेल्दी टेस्टी ढोकला है। और इस होली आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि हर बार होली में कुछ वही पुराना सा खा के थक जाते लोग। तो इस होली आप ज़रूर इस ढोकले को ट्राई करना। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप भी इस होली ये यूनिक बीटरूट का ढोकला ज़रूर ट्राई करना। आपके घर जो भी गेस्ट आएंगे बहुत खुश हो जाएंगे आपका ढोकला खा के। और ये ढोकला है भी इतना स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी बनता है। और उसका प्रिपरेशन पहले भी करके रख सकते हैं और फिर हम फेस्टिवल भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस होली आप कलर खेलने के साथ साथ आप एक अलग कलर का ढोकला भी ज़रूर ट्राई करना। तो हम फिर मिलेंगे नई और सिंपल रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।